मैंने पूछा आपने कहा कोई विशेष बात हो तो उन्होंने कहा नहीं आप कैसे दिल्ली आ सकते हैं, तो क्योंकि शाम के 6 बज गए थे तो उस समय गोरखपुर से कोई भी साधन दिल्ली जाने का नहीं था। तो मैंने इस बारे में कहा, मैंने कहा यहाँ पे से तो इस समय कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले दिन मैं एक चार्टर भेज रहा हूँ, आप उससे आ जाना दिल्ली। मैं जैसे ही 11 बजे वहां पहुंचा तो अध्यक्ष जी ने मुझे इस बारे में अवगत कराया। उसके बाद 18 को ही फिर मुझे लखनऊ वापस आना पड़ा और 19 को फिर शपथ ग्रहण। रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन क्या था, मैं एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता हूं, किसी पद के प्रति आकांक्षी नहीं, लेकिन कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उससे पलायन का रास्ता भी नहीं अपनाता हूं। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं और प्रयास करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं।